सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर। ठीक है, आप लोग देखोगे भी रेल विकास निगम लिमिटेड है, इसमें हमें कितनी शानदार रिकवरी आते हुए नजर आई है। और नीचे के भाव से आप लोग देखोगे 223 रुपये के आसपास, यानी 220 रुपये के आसपास स्टॉक आ गया था जब पीछे मार्केट में फॉल बना था, स्मॉल कैप मिड कैप शेयर टूटे थे। वहां से आप लोग देखोगे स्टॉक में कितनी शानदार रिकवरी बनी है। और जो भी भाई टेलीग्राम से जुड़े हैं इस शेयर को, या फिर इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे, 10-12 स्टॉक्स की लिस्ट तैयार करके, ठीक है, वो मैंने डाली थी जो अच्छी करेक्शन में मिल रहे थे और जिनके अंदर हमें SIP करनी थी। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरविनल, IRFC और इरकॉन, ये तीन शेयर भी शामिल थे, और IRCTC। तो इन शेयरों को भी मैंने जो है अभी SIP के लिए आपको बोला था। ठीक है, 10-12 शेयरों की जो लिस्ट थी वो टेलीग्राम पर मैंने बहुत पहले डाल दिया था। ठीक है, तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो। और जो भी मैंने वहाँ पर आप लोग देखोगे भी डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं या फिर और शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो भी स्टॉक्स वहां पर दिए हुए हैं उनमें काफी अच्छा मोमेंटम आने वाले टाइम में और भी बनेगा, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं डिटेल में भाई आखिरकार क्यों तेजी बनी है रेल विकास निगम लिमिटेड में 3% के करीब। उसके साथ साथ आप लोग देखो स्टॉक अभी भी अपने 52 वीक हाई से 25% हमें गिरावट में मिल रहा है। क्या ये मौका हो सकता है हमारे लिए जो गिरावट है, या फिर यहां से स्टॉक अभी और नीचे में जा सकता है? तो बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या है कारण सबसे पहले तेजी का। अगर बात की जाए तेजी की, तो आपको पता होगा भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान यानी 22 तारीख को मार्केट क्लोजिंग के बाद, ठीक है, 22 तारीख को मार्केट क्लोजिंग के बाद ये बड़ी खबर आई थी, और इसी खबर के कारण आप लोग देखोगे स्टॉक में बनी हुई अभी आज ये तेजी। तो खबर क्या थी, उससे पहले आप लोगों को पता होगा भी पीछे 3 दिन मार्केट की छुट्टी थी और आज आप लोग देखो भी ओपन होते हुए नजर आए, तो यहाँ पर हमें बहुत तगड़ा इफेक्ट आते हुए नजर आ रहे हैं स्टॉक के ऊपर इस खबर का। तो यहाँ पर देख सकते हो भी रेल विकास निगम लिमिटेड साइन MOU विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि AAI, ठीक है, यानी कि AAI अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो भी इन्होंने MOU साइन किया है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस जो भी यहाँ पर हमें साइन करते हुए नजर आए। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, क्या करते हुए नजर आएगी कंपनी यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन करेगी भाई सर्वे का, ठीक है, अंडरपास, सर्वे अंडरपास टू कनेक्टेड ऑपरेशनल एरिया टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेजिडेंशियल कॉलोनी इन कोलकाता। तो कोलकाता के अंदर जो है आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस खबर के बाद जो स्टॉक है वो हमें जो है अभी जंप दिखाते हुए नजर आया, और जो टोटल कॉस्ट रहेंगी इस ऑर्डर की वो लगभग आप लोग 229 करोड़ 43 लाख की, जिसके अंदर इंक्लूड है अभी GST भी। तो ये खबर अभी, तो चलिए अब देख लेते इसका चार्ट आगे के टारगेट्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी हमें आरविनल के अंदर ये ब्रेकआउट आते हुए नजर आए हैं। ठीक है, ऊपर से आप लोग डाउन ट्रेंड बना हुआ था, ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉक है वो फिर से काफ़ी अच्छी रिकवरी लेते हुए नजर आया है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहाँ से अगर आप लोग सपोर्ट के ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ से जो सपोर्ट इसका बनेगा, जिसको रिस्क नहीं लेना है, 253 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है, 250 के सपोर्ट पर काम कर सकता है। अभी रिस्क नहीं लेने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जिस भी भाई को रिस्क लेना है, चलना है लॉन्ग टर्म के लिए, 277 का इसका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, और नीचे में आप लोग सपोर्ट लेके चल सकते हो भी 250 का। फिर उसके बाद में 245, 244 ये सपोर्ट इसके बन रही हैं, और ऊपर में टारगेट 277 के रहने वाले यहाँ से। और रही बात लॉन्ग टर्म में, तो भी लॉन्ग टर्म अगर 2-3 साल के लिए होल्ड करना चाहो तो ऊपर में 500 से 600 रुपये तक के मूव हमें दिखा सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।